Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel, myself Husnain Waris. उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई दोस्त ठीक होंगे। तो गाइस जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। समझ रहे हो ना सर जी, बहुत ज्यादा है ये, आप धूम चेक कर सकते हैं। पीछे अभी तकरीबन 12:30 होने लगे हैं सुबह के, और अभी तक धुंध नहीं उतरी, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो हमने सोचा क्यों ना आज सर्दी का फ़ायदा उठाया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दियों में आलू उबाल के खाने का अपना ही मज़ा है। फुल सर्दी हो और आलू उबाल के खाएं तो वो खाने का अपना ही मज़ा है। तो आज हम भी आलू उबालने लगे हैं। अभी ये हम ये पतीली ले आए हैं, इसके अंदर हमने आलू उबालने हैं। ये आप देख सकते हैं समय चूपे ने पकड़ी हुई है, तो अभी हम ये लेके जा रहे हैं। तो अभी इस आलू इधर से ताज़े आलू, गाइस सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही आ गई, तो ताज़े आलू हम ज़मीन के अंदर से निकालेंगे तो फिर उबालेंगे। अभी आपको दिखाते हैं। अभी हमने ये कई और दाबरा ले लिया, ये आप देख सकते हैं समय ने पकड़ा हुआ है, समीला और समय ने, ये आप देख सकते हैं कई और दाबरा पकड़ के जा रहा है। तो अभी हम उधर जा रहे हैं जिधर से हमने आलू पुटने हैं। जिधर से हमने आलू पुटने हैं अभी हम उधर जा रहे हैं। चलो देखते हैं कितना कितना बड़ा आलू निकलता है। किधर से पाटने हैं आलू? उधर से पाटने हैं। अच्छा चलो 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 इधर से आ जाए, ये पाटे हुए हैं पहले से ही। अच्छा चलो जी मारो टप। गाइस ये आप चेक कर सकते हैं, ये कितने रेड ताज़े आलू निकल रहे हैं अंदर से। दा ब्रदर कार्ड, ये आप देख सकते हैं, ये समा चूपा ये पाटने लगे आलू। ये आप देख सकते हैं ये कितने गाइस ताज़े आलू गेहूँ के, जिसने खाने आ जाओ। फुल लाल गाइस आलू निकल रहे हैं ताज़े आलू। वो आपका फ़ोन नीचे डेग पिया है। चलाएँ जी, ये मिट्टी लग गई ऊपर, बाद में साफ करते हैं। आप आलू पाटे पहले ये। ओ माई गॉड, ओ निकले आलू, वो देख रेड है। दाबरा नहीं रिकॉर्ड लेना, ये आप देखे गाइस रेड रेड कलर के ताज़े, इधर दही इधर दही, ये आप देख सकते हैं। ये देखे गाइस रेड कलर के ताज़े आलू जमीन के अंदर से निकले हैं। मियां साहब जा रहे हैं, देख सकते हैं मियां साहब जरा जरा क्यों ना इशारा शुरू कोई है। मियां साहब हमारे जा रहे हैं गांव के नंबरदार मियां गुलजार। मियां साहब कह रहे हैं समय क्या भाई, यूसुफ ने मेरा थोम नहीं था पलाया। ये गाइस अभी ये देख रहे हैं ताज़े निकाल रहे हैं, तो ये मिट्टी लगी हुई अभी ने, जब ये घर जाके इनसे धोएंगे, इन्हें साफ करेंगे और फिर उसके बाद इन्हें उबालेंगे। अभी आपको दिखाते हैं सारे। आप देख सकते हैं ये हमने आलू पाट लिए हैं, ये आप देख सकते हैं मिट्टी अभी बहुत ज्यादा ऐसे लगी हुई है, घर जाके अभी ये धोने लगे हैं, पर अभी ये मिट्टी हमारे पाओं को, बूटों को, शूजों को भी बहुत लग गया, हाथों को भी लग गया, किलो किलो मिट्टी लग गया, और 2 किलो हमने आलू पाटे हैं। तो ये समझ में साफ कर रहे हैं, मैं भी साफ कर दूं, अभी ये दो दूंगे तो फिर आपको दिखाते आगे वाला। गाइस अभी हम यहाँ आलू हवेली में ले आए हैं, जिधर हमने धोने हैं, साफ सूफ किए हैं, हाथ हाथ साफ किए हैं, और ये अभी ये देखें ये समा आलू धो रहा है, तो मैं ऐसे देख रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी आप देख सकते हैं आलू दो तो माशाल्लाह कितना प्यारा कलर निकला इसका, रेड कलर का, पिंक कलर का, मिक्सी कलर है इसका, ये आप देख सकते हैं। ये आप गाइस ये आलू की कंडीशन चेक करें और दो इसकी कंडीशन चेक करिए कैसी होती है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा कलर निकला है।
ये आप देख सकते हैं गाइस, ये सारे आलू हमने धो लिए हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा रेड कलर का कलर निकला है इसका। ये अंदर कुछ कुछ आलू व्हाइट है, कोई आलू रेड है, कोई पिंक है, कोई व्हाइट और रेड दोनों है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह सारे आलू बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं आलू हमने धो लिए हैं, तो अभी हम ये सामान ऊपर चढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ये लकड़ियां इकट्ठी काट रहे हैं आग जलाने के लिए। ये पतीली भी हमने जिसके अंदर आलू रखने हैं, तो अभी लकड़ियां इकट्ठी काट रहे हैं आग जलाने के लिए। और फिर इधर हम वो बनाएंगे जिसके ऊपर आके पट्टी, जिसके ऊपर आके हमने आलू उबालने हैं। तो अभी पहले हम लकड़ियां इकट्ठी कर लें, फिर आग लगाते हैं, फिर उबालेंगे, फिर खाएंगे, फिर आपको भी दिखाएंगे। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। देख सकते हैं ये समझ ऊपर लकड़ियां इकट्ठी कर रहा है, ये देखें काफी ज्यादा हो गया, अभी और इकट्ठी कर रहे हैं और कर मम्मा ने बढ़िया ने। आप देख सकते हैं ये आलू पड़े हैं, ये माल खड़ा है। शर्मा रहे हो क्या दुल्हन हो? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस। ये देख सकते हैं ये काफी ज्यादा हमने लकड़ियां इकट्ठी कर ली हैं, समय चुपे की मेहनत लगाई है। ये बहुत ज्यादा लकड़ियां इकट्ठी कर ली हमने, और अभी इधर ईंटों की पट्टी बनाने लगे जिसके ऊपर हम फिर रखे उबालेंगे। ये ईंटें हमने रख ली हैं, अभी हम ईंटों की पट्टी बनाने लगे हैं। आप देख सकते हैं ये हमने इधर जिसके ऊपर पतीली रखनी है वो बना लिया है, ये इसके ऊपर ये पतीली रख दी। ये आप देख सकते हैं अभी मैं पतीली के अंदर आलू डालने लगूं। गाइस अभी ये देखें मैंने इसके अंदर डाल लिया आलू जितने डालने थे, अभी ये रह गए हैं। पहले ये उबालेंगे, फिर ये खा के फिर ये दूसरे फेरे में ये उबालेंगे। गाइस अभी ये लकड़ियां तोड़ के और ये इसके अंदर लगा रहा हूँ, तो ये अभी ये देख रहे हैं इसके जरिए आग लगेगी। पहले ये इधर दिखाओ यार, ये देखो ये इसके अंदर लकड़ियां लगा दी हैं, अभी हम आग लगाने लगे हैं। ये अभी थोड़ी सी लकड़ियां और तोड़ के ना इसके अंदर लगा दी, ताकि बाद में हम साथ साथ लकड़ियां लगाई जाए और साथ साथ वो आई जाए। तो ये अभी इसके नीचे ये लगा के इसे आग जलाने लगे हैं। तो ये गाइस आग लग गई है, अभी इसके अंदर उसके ऊपर ये रखने लगे पतीली। ये आप देख सकते हैं सीधी करके रखेंगे ना, ये अभी तो रखने को चीज लिया। ये आग लग गई है, अभी इसके ऊपर पतीली भी रख दी है। तो ये अभी ना इसके ऊपर वो ढक्कन इसका लाने लगे हैं, वो ढक्कन इसके ऊपर रखेंगे, अंदर भाप बनेगी तो फिर जल्दी से उबाले जाएंगे। ये आग आपके सामने देख सकते हैं लग गई है, लकड़ियाँ फाड़ गया। ये आप देख सकते हैं मेरा हाथ जल गया है। इधर आपको वीडियो दिखाते दिखाते ये मेरा हाथ जल गया, ये आप देख सकते हैं। ये नीचे से ये देखिए हड्डी नजर आना शुरू हो गई है, काफी ज्यादा ये जल गया। ये आप देख सकते हैं, ये देखें भाई ये समाचू पर बैठा हुआ है, ये भाई सुधा बैठा हुआ है, ये चाचू भी आया है, एक ये है कि पबजी प्लेयर माधी। ये चेक किया अभी तो अभी कच्चे हैं, अभी थोड़ी देर और लगने देंगे आग इसको और फिर पक जाएंगे, फिर खाएंगे। अभी ये देख सकते हैं ये फूके मार है। ये आलू पक गए हैं अभी, तो अभी मैं इसे उतारने लगा इसके ऊपर से। ये आलू इसके अंदर से मैं साफ बर्तन के अंदर डालने लगा, फिर हम खाएंगे। आप देख सकते हैं ये पानी इसके अंदर डाल लिए, वो बड़ा गर्म है नहीं। गाइस बहुत गर्म है ये, अब ये इसके अंदर डालने लगा। ओह माय गॉड, वो ठासा नहीं थी आओ था का ना, तो पता है ये नहीं है। मतलब आपको ये देख सकते हैं ये आलू हमारे एक जो पहले रखे थे वो उबल गए हैं, और अब ये दूसरा चक्कर हमने ऊपर रख दिया, चुकी टकने की चुकी। ये आप देख सकते हैं दूसरे ऊपर रख दिए हैं और एक हमारे पक गया, ये अभी ये वाले हम खाने लगे हैं, ये खाने तक वो दूसरे भी बन जाएंगे। ये अभी बल्ले बल्ले चुरन लेके आए थे हम, ये देखिए अभी प्लेट के अंदर डाल के इसके साथ लगा के खाएंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। अभी हम आलू खाने लगे हैं, पक गए, ये देखे कैसे टूट पड़े हैं ऊपर कैसे, ये देखे कहां से आते हैं। ये देख सकते हैं गर्मा गर्म आलू गर्म, अभी ये देखे खा रहे हैं सारे, ये देखे गर्मा गर्म आलू पक रहे हैं अभी।
भाई जिसने खाने आ जाए आपको आगे एड्रेस बताया था आगे खा सकते हैं आलू। ये देखे चाचू का खत्म हो गया फिर लेने आया। Oh my God! चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आपने और कमेंट करके जरूर बताएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। गाइस अभी हमने ये जो आलू वाले थे ये खा दिए, ये देखें छिलके रहने दिए, चावलों ने सारे खा पी दिए, ये देखें। वैसे मैं भी अंदर शामिल हूँ, मैंने भी खाया है, पर इन्होंने नमक भी देखे क्या नमक की प्लेट भी चाट चाट के ये देखे क्या की। तो गाइस अभी हमने आलू उबाल के खा लिए हैं, बहुत मजा आया। पहली दफा हमने खा लिए हैं, दूसरी दफा उबालने के लिए रखे हुए थोड़ी देर कर, ये भी उबल जाएंगे, ये सम्मा आग लगा रहा है। तो अभी हम पेट फुल हो गया खा के, बहुत मजा आया खाने का गाइस, बहुत मजा आया, जितनी मेहनत की थी उतना मजा आया। तो गाइस अभी ये थोड़ी देर तक उबलने लगे तो ये हम अभी खाएंगे, एक दो खाया जाएगा जो बाकी घर ले जाएंगे, घर जाके बाद में खा लेंगे। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है, बाय। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। समय ने कहा यार साडा चैनल सब्सक्राइब करन, ओए साडा चैनल सब्सक्राइब कर दियो, क्या कमेंट करके भी दसो, कमेंट कर। हाँ गाइस अब समय के कहने पे आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके भी बताना है।